वन आरक्षी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन नए नए खुलासे सामने निकल कर आ रहे हैं। एक और खुलासा सामने आया है, चलिए उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ अपन तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। तो वन आरक्षी प्रतीक्षा सूचिका मामला कार्मिक विभाग तक पहुंच गया है। जी हाँ, वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची मामले में जो है कार्मिक एवं सहायता विभाग जो है पहुंच गया है। इस मामले में कार्मिक विभाग से निर्देश मांगे गए हैं, इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। मुख्यालय में नियुक्ति की मांग को लेकर वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थी दूसरे दिन भी लगातार डटे रहे। वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची के मामले में टेक्निकल पेज फंसा हुआ है, इसको लेकर शासन में मुख्य सचिव वन और वन मुख्यालय के बीच पत्राचार लगातार जारी है, बट अभी तक कोई भी डिटेलिंग जो है इसमें सामने बाहर नहीं आ रही। इसमें वन मुख्यालय से वन आरक्षी के लिए भेजे गए अध्याचन समेत अन्य जानकारी मांगी गई थी। अब संबंधित सूचनाओं को कार्मिक विभाग को भेजते हुए कार्मिक विभाग से निर्देश मांगे गए हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मामला सन 2023 का है, जहां पर लोक सेवा आयोग की ओर से जो है लगभग 892 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन पदों के लिए भर्ती हुई थी। जनवरी में इसका फाइनल रिजल्ट आया था और जो नियमावली थी प्रतीक्षा सूची 2023, उसमें कहा गया एटलीस्ट एक साल तक जब तक जो है अभ्यर्थी नहीं चयनित हो जाते हैं तब तक वेटिंग लिस्ट का इसमें प्रावधान है। वेटिंग लिस्ट भी निकाले गए थे, उनके फिजिकल तमाम और भी चीज़ कराए गए, पर बहुत सारी चीज़ों में अभी भी टेक्निकल फेस फंसा हुआ है। इसी बीच आपने देखा होगा कि वन विभाग की ओर से नई भर्ती का भी अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास भेज दिया गया था। तो उसको लेकर बहुत सारे टेक्निकल इशू हैं, देखते हैं आगे इस पर और क्या चर्चाएं होती हैं। कोई भी अपडेट आएगी लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे कहीं ना कहीं नई भर्ती जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से थी आपके वन आरक्षी की, उस पर जो है बड़ा सवाल उठता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।